बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन हीरो सनी देओल भले ही फिल्मी पर्दे पर जोरदार डायलॉग बोलकर चिल्लाते हो, ढाई किलो के हाथ की बात करते हो, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही भोले हैं और फिल्मी दुनिया की पीआर मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो हैं। इसलिए शायद बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बावजूद उनका करियर रॉकेट की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाया। जितना शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर अक्षय अजय देवगन ने पीआर मार्केटिंग से हाइप क्रिएट किया अपने सुपरस्टारडम को लेकर, उस हाइप को सनी देओल कभी भी कैरी नहीं कर पाए। हालांकि आजकल सनी देओल के तेवर बदले बदले लगते हैं। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद उनकी आने वाली जो भी फिल्में हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जा रही हैं, गुपचुप तरीके से शूटिंग की जा रही है और पीआर मार्केटिंग में बहुत ही छोटी छोटी टीजर छोड़ी जा रही हैं। यानी सनी देओल भी अपनी फिल्मों को बड़े सुपरस्टार की तरह टाइम टू टाइम प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी प्लान करते हैं और फिल्मों का एक मोमेंटम कैरी कराते हैं। कहने को सनी देओल गदर 2 के बाद किसी बड़ी मूवी के लिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग चुपचाप चल रही है। नंबर एक पर आती है सफर। सफर बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है जो कि मराठी मूवी प्रवास का रीमेक है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कैलिबर की मूवी है। सनी देओल को लोगों ने बहुत डिफरेंट अवतार में देखा होगा, बट प्रवास के रीमेक में सनी देओल को बहुत ही ज्यादा अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। सनी देओल इस मूवी की शूटिंग में बहुत बार डिफरेंट रोल में दिखाई दिए हैं। एक बार मुंबई में दारू पीकर झूम रहे थे, लोगों को लगा रियल लाइफ में सनी देओल दारू पीकर भटक गए हैं। इसी तरह चंडीगढ़ के 5 दिनों की आउटडोर शूटिंग की उन्होंने, जो करीब -20 डिग्री टेम्परेचर पर शूट हुई। यानी खून जमा देने वाली ठंड में सफर की शूटिंग की सनी पाजी ने और धीरे से पैकअप भी कर लिया। इसके अलावा सनी देओल ने सलमान खान के साथ आइटम सॉन्ग भी शूट किया है जो कि मूवी का प्लस पॉइंट है। जिस तरह रितेश देशमुख ने मराठी मूवी के रीमेक में सलमान को कैमियो कराया था, वैसे सनी पाजी ने कराया है। सफर के बाद सनी देओल की चुपचाप एक मूवी और कंप्लीट होने वाली है जिसका नाम है बाप। इंडिया की ऑफिशियल एक्सपेंडेबल कही जा सकती है। बाप के बाद उनकी मूवी बॉर्डर 2 पर भी जोर शोर से प्री प्रोडक्शन काम चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी मूवी गुपचुप तरीके से बन रही है, उसका नाम है रामायण। रामायण में सनी देओल हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं। इस अपडेट को सनी पाजी ने अंडर द रैप रखा है। वो चाहते हैं जब मूवी अनाउंस हो, फर्स्ट लुक आए, तब लोग चौंक जाएं। सनी पाजी अपनी फिल्मों को चुपचाप धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और पहले वाली गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं जब वो फिल्मों की कहानी रिलीज से पहले बता देते थे। अब वो मार्केटिंग गुरु के हिसाब से अपनी इमेज को, अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर रहे हैं। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।